ठीक है, किसी महान आदमी का क्या कहना था कि आप गरीब घर में पैदा लिए हैं ये आपकी गलती नहीं है। क्या सही बात है कि आप गरीब घर में पैदा लिए हैं ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके माता पिता की गलती है। लेकिन आप एक गरीब रहकर अगर मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है ना। धरती पर आप आए, आप अपने माइंड से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग बैठा रहता है ना। एक श्लोक है, क्या है, माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पठिता ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको जाता। अभी तो हम बोल दिए, इसका मतलब समझ, क्या बोला कि माता शत्रु आपकी मम्मी है ना दुश्मन हो जाएगी। कब? माता शत्रु पिता वैरी, और जो आपके पिता है वो भी दुश्मन हो जाएंगे, है ना। कब? माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पठिता, जिसके जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और जो बच्चा नहीं पढ़ता है ना वो अपने माता पिता का दुश्मन हो जाते हैं। आपका दुश्मन माता पिता, माता पिता का दुश्मन आप बिल्कुल हो जाइएगा जब आप आपके पास अशिक्षा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो ना पठिता ना सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको जाता। बता, जिस तरह एक विद्वान के सभा में एक मूर्ख जैसे शोभा नहीं देता, जैसे एक बगलों के झुंड में कौवा और कौवों के झुंड में जिस तरह बगला शोभा नहीं देता है, उसी तरह आप लोग का हो जाएगा, है ना। आपको विद्वान बैठा हुआ रहेगा ना, आपका कोई उसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप वहां पर कोई उस लायक है ही नहीं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि माता पिता को पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति बिल्कुल खर्च करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ये नहीं बोलते हैं आपके आप एबल हो सको उसको पढ़ाने में, ये नहीं कहते हैं कि आप फाइनेंशियल तौर पर, लेकिन आप उसको एबल हो सको हमेशा कहो कि हम इसको अच्छा शिक्षा देंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जो है ना माता पिता को माता पिता समझता, नहीं तो नहीं समझता। ठीक है, एक वही है जो पढ़ा लिखा है ये समझेगा कि माता पिता ने, वरना नहीं तो आने वाले समय में इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए आप लोग भी एक अच्छे कम से कम ये समझ सको कि आपके माता पिता हैं। ठीक है, वो कब समझ सकेगा, जब एक पढ़े लिखे इंसान बनेगा। जरूरी क्या हम पढ़ लिखे एक नौकरी ही कर।